आदमी पार्टी के यूथ विंग की बुलारी नरेंद्र कौर फराज ने कहा कि यूथ विंग पंजाब के पिंड पिंड जाके पंजाब सरकार के 2019-20 के नौजवान विरोधी बजट की पोल खोलेगा। केंद्र सरकार अते पंजाब सरकार की किसानों लिए मारू नीति विरुद्ध अज किसान भवन विखे भारतीय किसान यूनियन पिंड लखोवाल के प्रधान सरदार अजमेर सिंह लखोवाल की अगवाई हेठ चंडीगढ़ विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने पोंटी चड्डा के भतीजे आशीष चड्डा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिसनों 18 फरवरी को सड़क हादसे करन ते गिरफ्तार किया गया। जिला बार एसोसीएशन संगरूर के कई वकीलों ने आज साबका प्रधान गुरविंदर सिंह चीमा की अगवाई 2019 दी लोकसभा चोणों लिए मैनीफेस्टो बनाने लिए सुझाव भेजे हैं। डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैम्पियर का कहना है कि राफेल में घोटाला नहीं होया, भारत ने 36 जहाजों की बेनती की सी जो कि देन जा रहे हैं। जयपुर की केंद्रीय जेल में शकर नाम के एक पाकिस्तानी कैदी की मौत हो गई। पंजाब विधानसभा च बजट इजलास दौरान बोलदिया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि श्री करतारपुर साहिब लांघे के लिए जिथे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, उत्थे ही वीजे की शर्त लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। नैशनल राइफल एसोसीएशन के जनरल सकत्तर ने पाकिस्तान के भारत में होने वाले शूटिंग विश्व कप में हिस्सा लैण संबंधी बोलदिया कहा कि केंद्र सरकार तो मिली जानकारी अनुसार पाकिस्तान के निशानेबाजा की वीजा प्रक्रिया चल रही है। पीएमएसयू पंजाब के सदे से तहसील कर्मचारी 25 फरवरी तक कलम छोड़ हड़ताल से चले गए हैं। पंजाब विधानसभा में सदन की कार्रवाई दौरान अकाली विधायक परमिंदर सिंह ढींसा ने कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल भारत को धमकी दी थी, जिसके चलते विधानसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ मता पास किया जाएगा।